अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सीएम सिटी में सपा ने कर दी बीजेपी की हालत खराब। सपा उम्मीदवार ने बिगाड़ दिया बीजेपी का गणित। उपसभापति को लेकर दिख रही है सियासी खींचतान। सपा ने ठोकी ताल तो बीजेपी हो गई परेशान। गोरखपुर में नगर निगम में सदस्यों के चुनाव से पहले हालात हल्का दिखाई दे रहे हैं और सपा ने ताल ठोक कर सभी की हालत खराब कर दी है। सपा उम्मीदवार के सामने आने के बाद से सियासी दलों का गणित फेल दिख रहा है और इसमें सबसे ज्यादा बीजेपी परेशान दिखाई दे रही है। मामले पर बैठक पर बैठकों का दौर जारी है, लेकिन फिर भी सियासी हलचल तेज हो रही है। दरअसल नगर निगम के कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव के लिए नगर निगम बोर्ड की बैठक कल यानी मंगलवार को होगी। कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव के साथ ही उपसभापति के नाम की तस्वीर भी साफ होने की उम्मीद है। बीजेपी के 3 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हुआ है, लेकिन अब पार्टी 4 पार्षदों को कार्यकारिणी में शामिल कर 12 सदस्यों की कार्यकारिणी में 7 का आंकड़ा छूना चाहती है। हालांकि पार्टी कार्यकारिणी सदस्यों के नाम पर अभी मंथन कर रही है। इधर सपा ने पूर्व उपसभापति जियाउल इस्माइल को दोबारा कार्यकारिणी में शामिल करने के लिए ताल ठोक दी है। नगर निगम की कार्यकारिणी में मौजूदा वक्त में बीजेपी के 6, सपा के 4, कांग्रेस के 1 और 1 पार्षद निर्दलीय है। ऐसे में बीजेपी की नजर कांग्रेस की खाली हुई सीट पर लगी है। नगर निगम कार्यकारिणी चुनाव को लेकर सपा पार्षद दल की पार्टी कार्यालय में बैठक हुई। जिला अध्यक्ष राम नगीना साहनी सिंहासन सिंह यादव की मौजूदगी में हुई बैठक में नगर निगम के पूर्व उपसभापति और मुफ्तीपुर से पार्षद जियाउल इस्माइल को लेकर कार्यकारिणी में शामिल करने का फैसला किया गया। इसके साथ ही खाली हो रही 2 सीटों पर जियाउल के अलावा पार्षद मतीनुद्दीन और अभिमन्यु मौर को उतारने का फैसला किया गया। संख्या बल के आधार पर सपा 2 पार्षदों को कार्यकारिणी में शामिल कराने में सक्षम है। अगर उसने कुछ निर्दलीय पार्षदों को अपने साथ मिला लिया तो 3 कार्यकारिणी सदस्य सपा के हो सकते हैं। इसी तरह बीजेपी भी संख्या बल के आधार पर 3 पार्षदों को कार्यकारिणी में शामिल कराएगी, लेकिन 1 अतिरिक्त पार्षद के लिए उसे निर्दलीय का सहारा लेना पड़ेगा। सपा की रणनीति से बीजेपी खेमे में बेचैनी है, क्योंकि सपा निर्दलीय को अपने खाते में जोड़ने के लिए कोशिशें कर रही है और हो सकता है कि सपा इसमें सफल भी हो जाए। ऐसे में बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि कैसे वो सपा के फॉर्मूले को फेल करे और गोटियां सेट करे। बाकी तो मंगलवार यानी कल की बैठक के बाद तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।